Welcome, dear viewers. Today my content is about Sahir Ludhianvi and his best friends. When fights, difference, giving to information, Sahir's. Dosto, Sahir's All India Radio mein June ki ek jagah fight bhi us zamane mein rahi. Lekin hum baat karte hain puri jo uski us zamane mein, kyunki Sahir's jo 1940 mein jo hai wo uski baat chal rahi thi aur uske geet jo the wo 1940 mein unhone 42 mein jo unhone shuru ki aur phir 1950 mein wo to bahut hi romantical filmon mein bahut mashhoor ho chuke the aur unki baat jo hai starting jo unka naujawan films mein dosto chala lekin उस जमाने में दोस्तों अनुपम खेर के साथ भी इस तरह फिल्मों में उसको हटा दिया गया था जिसमें उसके साथ ज्यादती थी साहिर लुधियानी पब्लिक के साथ शायरों के साथ अदीबों के साथ वो रहते थे और उस जमाने में जो गुरुदत्त के साथ और डायरेक्टर्स एक फिल्म थी जो बाजी दीवानंद की उसमें उन्होंने और उसके अलावा एसडी बर्मन और उसके अलावा साहिर लुधियानी की दोस्त स्वीता यार जो उस जमाने में ट्रैकिंग कर रहे थे फिल्मों की तो उससे साहिर लुधियानी कई बार मिले और उसको माजरा सुनाया और मोहन देसाई के साथ उनकी कई ऐसी प्रोडक्शन थी और जिस वक्त प्रोड्यूसर्स जो वो जो है डायरेक्टर जो थे वो गीत लिखने वालों को तवज्जो नहीं देते थे जिससे साहिर से बहुत ज़्यादा भड़क उठे थे उस ज़माने की बात हम कर रहे हैं तो गीतकार को जो है वो पुरस्कार के लिए नहीं बुलाते थे अवार्ड्स के लिए लेकिन मीडिया में उस वक्त ये साहिर को जब पता चला कि आप ऑल इंडिया रेडियो में जाएँ और इस तरह उन्होंने किसी से लिंक्स लगाया और साहिर ने जो दोस्तों दफ्तर डायरेक्टर्स के दफ्तर उसको जाना पड़ा और साहिर ने ये उस जो मोहम 1960 में जो है अपने एक दोस्त ख्वाजा मोहम्मद अब्बास के साथ मिलते हैं तो वो फिर दोस्तों उसको राइटर्स एसोसिएशन का एक बानी उस दौरान बनाते हैं और राइटर्स एसोसिएशन के जो बानी की बुनियाद जो रखी वो साहिर ने रखी थी और शायरों पर उसने क्योंकि उसने ये कह दिया है कि शायरों को मीडिया पे नहीं लाया जाता फिल्म इंडस्ट्री में और रेडियो में और इस तरह उनका नाम नहीं दिया जाता इस तरह ख्वाजा अहमद अब्बास और साहिर की दोस्ती बनी और इन्होंने इस प्रोडक्शन के लिए कई काम किया शंकर जय कृष्ण से और कई लोगों से उस ज़माने में मिले और उन्होंने आम पब्लिक और आम जनता के लिए जो है प्रोड्यूसरों को और हीरो को तो अवार्ड मिलते थे लेकिन शायरों को लेखक को जो है और उस कला कहानी लिखने वाले और शायरों को जो है अवार्ड्स नहीं मिलता जिससे जो है बम्बई से उन्होंने दिल्ली का सफ़र उस ज़माने में जो स्टार्ट लिया और फिर ऑल इंडिया रेडियो गए और डायरेक्टर जनरल से मिले और साहिर ये होम प्रोडक्शंस में पहले आदमी थे जिन्होंने ये गीत के लिए गीत लिखने वालों के लिए जो उसने आवाज़ उठाई और म्यूज़िक की दुनिया को जो है उसमें याद किया जाएगा और उस तरह अपने लोग सेलेक्ट करते थे पेस्ट कर देते थे और इस तरह वीडियो के लिए जो है कई कलाकारों को उसने जमा किया और साहिर ने उस ज़माने में क्योंकि इंश्योरेंस के लिए और कई ऐसी फिल्में बन रही थी जो साहिर लुधियानवी का चर्चा था तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट्स इस ज़माने में की थी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे